क्वेश्चन में क्या है, मशीन वॉज बॉट फॉर रुपीज 42,000, ठीक है ना। एक मशीन है, उसने कितने रुपए की खरीदी, 42,000 रुपए की मशीन खरीदी। इट वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट अ रेट ऑफ 8%, ठीक है ना। उसकी वैल्यू क्या होती है, 8% के रेट पे क्या होती है, गिरती है, ठीक है ना। पर एनम हर साल क्या होती है, 8% क्या होती है, उसकी वैल्यू गिर जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्राइस डिक्रीज आफ्टर द ईयर, आपको बताना क्या है कितना पैसा कम होगा एक साल बाद। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देखिए जो 42,000 है वो किसके बराबर है, वो 100% के क्या है, बराबर है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, 8% की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें करिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 42,000 इंटू क्या होगा, 8 होगा, अपॉन क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगी आपकी, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। तो 8 2 जा कितना होता है, 8 2 जा होता है 16 का 6, ठीक है। 1 कैरी, 8 4 जा कितना होता है, 32 + 3 1, तो कितना, 33, ठीक है। जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3,360 रुपीज़, ठीक है ना। इतनी क्या होगी आपकी वैल्यू, उसकी गिरेगी, ठीक है ना, मशीन की। ओके दोस्तों, हर साल।